हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग आर यूज्ड एज एंटी हिस्टामिन्स। ये चार ड्रग्स आपको दे रखे हैं, इनमें से वो कौन या कौन कौन होंगे जिनको हम एंटी एज अ एंटी हिस्टामिन्स यूज करते हैं। ओके बच्चों, हिस्टामिन क्या होता है? बच्चे कंपाउंड होता है, एंड हिस्टामिन इज अ पोटेंट वैसोडाइलेटर विच इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेशन एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रेस्पॉन्स टू पोलन। ओके, और इसी को कंट्रोल करने के लिए बच्चों, ओके, हम क्या लेते हैं बच्चों? एंटी हिस्टामिन्स लेते हैं बच्चों। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिमेटिडीन। ओके बच्चों, ये एंटासिड भी है, ओके, एसिडिटी को भी ट्रीट करता है, और ये आपका ये एंटी हिस्टामिन भी है। ओके बच्चों, तो सिमेटिडीन ये हमारे आंसर में रहेगा बच्चों। फिर बात करें अगर प्रोमिथाजीन की, ओके बच्चों, तो प्रोमिथाजीन भी एक क्या है बच्चों? एंटी हिस्टामिन है, ये भी हमारा आंसर होगा। ओके, फिर बात करें अगर जेंटेक की, जेंटेक का दूसरा नाम होता है रेनिटिडीन। ओके बच्चों, दिस इज ऑल्सो एन एंटी हिस्टामिन, ये भी हमारा आंसर रहेगा बच्चों। वहीं बात करें अगर एस्पिरिन की, तो एस्पिरिन जो है ना बच्चों, वो एक एनल्जेसिक ड्रग है। ओके बच्चों, नॉन नार्कोटिक, ऐसा एनल्जेसिक जिसकी आदत नहीं पड़ती है, नॉन एडिक्टिव है बच्चों। ओके बच्चों, एनल्जेसिक्स कौन होते हैं बच्चों? दे आर दी कंपाउंड्स दैट रिड्यूस और एबोलिश पेन विदाउट कॉजिंग इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंसेस ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके बच्चों, तो इनमें से अगर कोई एंटी हिस्टामिन नहीं है ना, वो एस्पिरिन है बच्चों। ओके बच्चों, बाकी तीनों आपके एंटी हिस्टामिन है। हमसे यही पूछा कि कौन है। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री एंड ऑप्शन नंबर फोर। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।